खरगोन जिले में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की महिलाओं ने गर्भवती महिलाओं को फल वितरित करके महिला सहित आने वाले भविष्य के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की पहल की। हम आपको बता दें कि महासभा की महिलाएं मंगलवार को कोविड टीकाकरण सेंटर पहुंची और गर्भवती महिलाओं को फल वितरित करके उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सजगता बरतने के उपाय बताए। इस दौरान अध्यक्ष ज्योति शर्मा ने बताया कि उनकी समिति के सदस्य कोरोना महामारी की चपेट में काल के गाल में समा गए, जिसकी स्मृति में फल वितरित कर रही हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। काल के दौरान मेरी जो दो दोस्त हैं उनकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई है, फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो गई उन लोगों की। उस वजह से मैंने उनकी स्मृति में, मेरी फ्रेंड है शीतल मोडर जो कि अध्यक्ष थी हमारे ब्राह्मण समाज की, वो कोरोना काल में भी चली गई हैं। इस वजह से उनकी स्मृति के दौरान हम लोगों ने जो नवजीवन संरक्षण है, तो जो गर्भवती माताएँ हैं वो भी सुरक्षित रहें और उनके शिशु भी सुरक्षित रहें, इस वजह से हमने ये नवजीवन संरक्षण योजना स्टार्ट की। क्या होगा इसमें? इसमें हम माताओं को ये निर्देश देंगे कि आप जो नई पीढ़ी आने वाली है, उनका ध्यान रखें, आप अपना भी ध्यान रखें, नई पीढ़ी का भी ध्यान रखें, ताकि वो यहाँ आके कोरोना काल के बाद वो फाइट कर सके। बच्चे पौष्टिक आहार उनको दिया जाए और उनको हम लोगों ने ये निर्देश दिए हैं कि आप लोग डाइट चार्ट लाए हैं, डाइट चार्ट के अंतर्गत ये उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप इस टाइप से डाइट ले अपनी। क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।